लॉ एंड ऑर्डर कि जिस तरह के हालात ने पंजाब के यार मैनू बड़े दुख ना कहना पैंदा है पंजाब बहुत गलत डायरेक्शन चला गया जिहड़ी सरकार है आ सरकार नाम की चीज़ है नहीं सारा कुछ ही कलैप्स करी जांदा है एक एक करके हुण स्कैम निकल लग गए हुण जो रिक्रूटमेंट स्कैम हो गए तो जिहड़ी इन्हां दी सोच है कि आपां कल्ला जिवें ना लेपा पोची करना उही करी चलो नवी चीज़ तो इन्हों तो बननी नहीं क्योंकि इन्हों का ना विजन है आज जी सरकार है सरकार केजरीवाल चला रहा है तो जो केजरीवाल चला उन्होंने कोई फिक्र नहीं पंजाब हो की रहा है पंजाब उन्होंने एक साधन बनाया लुटन का आज जो एक्साइज स्कैम होया 600-700 करोड़ रुपया इन्होंने पंजाब एक्साइज से कपला किया मैं लगता जल्दी तुम देखोगे ईडी एक एक करके बंदे फड़ी जाते हैं सारा खुलासा सामने आजगा उवें रिक्रूटमेंट इन्होंने जो रिक्रूटमेंट नैब तहसीलदार का स्कैम होया देखोगे सारे लोग संगरूर जिले के सीएम के हल्के दे है एक एक पिंड चो 10-10 जाने हैं जिहड़े उहदे चेहते है सो ओपनली करप्शन चली जाती है ओपनली स्कैम्स करी जाते हैं पैसा इकट्ठा सारा केजरीवाल वास्ते हो रहा है भगवंत मान तो सीएम ना दा कि उन्हें राघव चड्ढा इत्थे बैठा है जो राघव चड्ढा कहिंदा है रोज़ की पुलिस की मीटिंग होए एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होए राघव चड्ढा अनकॉन्सटीट्यूशनल चीज़ आ कॉन्सटीट्यूशन जो मिनिस्टर सहु चुकते चीफ मिनिस्टर सहु चुकता है क्यों चुकते हैं नहीं तो सहु चुकने की लोड़ ही नहीं कि कोई भी सरकारी फाइल देखने तो पहले उन्हें सहु चुकी है कि मैं इंसाफ करूँगा तो मैं अपने जो सीक्रट्स है स्टेट के वो किसी दसूँगा इत की है बगैर सहु चुके बगैर इलैक्टेड इन्हों के बंदे उतो रखे हर मिनिस्टर के दफ्तर बहते हैं फाइल वो देखते हैं चीफ मिनिस्टर का काम राघव चड्ढा करी जाता है मिनिस्टर के काम इन्हों के उतों बंदे आए हैं सो होगा कि पंजाब अच्छा सुखबीर जी इंडस्ट्री पॉलिसी लैके ना लुधियाने पुतला फूकया गया कल जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है आ पॉलिसी ना की कोई चीज़ ही नहीं है तुसी जे इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखनी सी तो जो बादल साहब इस टनियोर च इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई सी इनवेस्ट पंजाब बनाया सी तो उदो अमन शांति का माहौल सी भाईचारक संद वो सी असली इनवायरमेंट अज इंडस्ट्री क्यों भज रही है बार गुंडागर्दी करके हरियाणा अपने जो हिमाचल तो जम्मू कश्मीर अपने तो ज़्यादा इनसेंटिव है जेडे इन इनसेंटिव है आ इनसेंटिव का तुसी मैच करो साढ़े टाइम द टाइम फूड प्रोसैसिंग नू कोई टैक्स नहीं सी जिवें इन चीज़ा सी असी इनवैसट पंजाब बनाया सी जिथे एक महीने के अंदर थोड़ा सारिया क्लीयरेंस मिल जाए सारा कुछ ही इन्होंने बंद कर दिता जय जी अज पंजाब की हालात है बस कुछ मर्जी तुम अखबार दे चलो किसी ने इनवैसट करनी होना पहली बार पंजाब के इतिहास होया कि पंजाब की इंडस्ट्री यूपी जा रही है नहीं तो यूपी तो लोग इतने आते हैं सो जे ऐसी नीतियां बनाएंगे ऐसी हालात बनाएंगे सब तो पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने तो पहले पंजाब की हालात ठीक कर इतने गुंडागर्दी बंद कर इतने धरने बंद कर सड़क जड़िया रोकिया खोलिया जा लोग आ जा सकन सेफ्टी होए सिक्योरिटी होए आ जड़िया फरौतियाँ बंद कर कोई इतने रहूगा नहीं तो जायजा माहौल अज है किसी ने नहीं देना बिजली सरकार कहती है कि साढ़े को सरप पूरी है कि देखते हो जे बिजली पूरी है तो उन्हें को खरीदे कितों है पंजाब की जनता जानना चाहती है पिछले साल किस रेट पर पंजाब की सरकार ने बिजली खरीदी तो इस साल किस रेट पर खरीद रही है जिहड़ी थर्मल प्लांट असी बनाए सी 2 रुपये 80 पैसे की उसकी कॉस्ट सी हुण क्यों नहीं जिहड़े तुसी भगवंत मान कहिंदा सी बंद करांगे हुण क्यों नहीं करदे एक्शन लैंदे क्योंकि सारी सियासत पॉलिटिक्स के उत्ते झूठी कीते सी अज बिजली 12 रुपये 18 रुपये तो यार गर्मियां देखियो सारयां नूं मैं तो अज सारी जनता नूं अज ही वॉर्न करना चाहुंदा ऐ जिहड़े आउण वाले गर्मियां च जे किसे कोले जनरेटर है नहीं तां खरीद लो जे कोई इनवर्टर है नहीं तो खरीद लो नहीं तो गर्मियां टपाउणियां बहुत औखियां हो जाणगियां असी जो साडी पॉलिसीज़ नाल सहमत होणगे
वी आर ओपन टू डिस्कशन विद एवरीवन।